तो गाइस आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आप सभी लोग एमएक्स प्लेयर का जो नोटिफिकेशन है उसको बंद करना चाहते हैं, यहां पे आपके फ़ोन में स्टेटस बार में यहां पे बार बार जो है एमएक्स प्लेयर का नोटिफिकेशन आता है, तो इसके लिए आपको जो है सबसे पहले अपने फ़ोन में सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आएगा एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको मैनेज एप्लीकेशन का ऑप्शन आता है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च बार पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिखना है एमएक्स प्लेयर। जैसे ही आप एमएक्स प्लेयर लिखेंगे कुछ इस तरीके से, तो आपको थोड़ी देर वेट करना है और उसके बाद आपके सामने इस तरीके से ये जो एप्लीकेशन है वो आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर इसको क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है नोटिफिकेशन करके, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको शो नोटिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है, तो ये जो है आपके फ़ोन में इस तरीके से ऑन रहेगा। तो आपको यहाँ पे जो है इसको डिसेबल कर देना है और उसके बाद दोस्तों आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों इसी तरीके से आप जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।